उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर कस्बे में श्रीमती सुखदेव इंटर कॉलेज के मैदान में बिना अनुमति के कराई जा रही दौड़ को पुलिस ने रुकवा दिया है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने पक्षपात का आरोप लगाया है। यहां आपको बता दें कि सपा नेता जितेंद्र विधुड़ी एवं मगन सिंह द्वारा श्रीमती सुखदेव इंटर कॉलेज मैदान में खटाना दौड़ का आयोजन करवाया जा रहा था, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान सपा के राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर थे। बताया जा रहा है कि दौड़ प्रतियोगिता की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। सूचना मिलने पर हसनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। कोरोना संक्रमण को लेकर शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन होने का हवाला देते हुए आयोजन को रुकवा दिया। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि बिना अनुमति के भीड़ एकत्रित करके दौड़ करवाई जा रही थी, इसे रुकवा दिया गया है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस दौड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए वह मुख्य अतिथि थे, पुलिस ने इसलिए दौड़ रुकवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी महीने बिना किसी अनुमति के तरोली सकतपुर तथा गारोपुर गांव में दौड़ प्रतियोगिताएं हुई थी, जिनमें से मुख्य अतिथि भाजपा के नेता थे। उन्हें पुलिस ने नहीं रुकवाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवा पुलिस पीएसपी तथा सेना में भर्ती की तैयारी करने हेतु दौड़ लगाते हैं। दौड़ प्रतियोगिताएं कर युवा अपनी मेहनत का आंकलन कर लेते हैं। दौड़ प्रतियोगिताओं को रोकना अनुचित है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मंत्री जी बताएं, जो प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, क्या है पूरा? भारतीय जनता पार्टी आज पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करना चाहती है। क्या है, कोई विपक्ष का काम इस लोकतांत्रिक देश के अंदर सत्ता पक्ष के उन कामों का विरोध करना है जो जनता के विरोध के काम है। कोई भी काम हो, जब कभी भी सत्ता के विरोध का मामला होता है तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको पुलिस के बल पर, अधिकारियों के बल पर रोकने का काम करते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर हजारों नौजवान ऐसे हैं जो पुलिस की, सेना की भर्ती की तैयारी करते हैं, और कई गांवों के अंदर हर शनिवार इतवार के दिन वो प्रतियोगिता और अपनी तैयारी का प्रशिक्षण करते हैं, और किसी न किसी मुख्य अतिथि को वहां पर बुलाकर और उस दौड़ को जो लगाते हैं, जिसकी वो तैयारी करते हैं, उसका प्रशिक्षण करते हैं, क्या वो उस टाइम के अंदर दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं। आज भी एक हफ्ते से खटाना दौड़ प्रतियोगिता का एक आयोजन किया जा रहा था, और ये अकेला ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हम लोगों को बुलाया जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। अभी तरौली के अंदर एक दौड़ हुई, इसमें माननीय विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने जहाँ लोगों का उद्घाटन किया, इसके बाद गारापुर के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद सकतपुर के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया। कई जगह होती हैं, और ये अच्छी बात है कि हम अपने क्षेत्र के उन नौजवानों को प्रोत्साहित करें जो आगे आकर हमारे देश का, सेना के अंदर जाकर हमारे देश की सेवा करें, जो पुलिस के अंदर जाकर हमारे देश की सेवा करें। ये हमारी पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पुलिस के बल पर उस दौड़ को रोका गया, और सिर्फ इसलिए रोका गया कि उसके अंदर जो आयोजन करने वाले थे उन्होंने दुर्भाग्य से हम लोगों को बुलाया था। लेकिन मैं फिर उन सारे प्रतिभागी जो इसमें भाग लेने आए थे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वो इतनी दूर से चल चल कर आए, और उनको निराश होकर जाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोरोना संक्रमण का एक बहाना है, जब ये समय निकल जाएगा तो हम एक अच्छी दौड़ आयोजित करेंगे, और अच्छी दौड़ आयोजित कर उन सारे लोगों को, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो सेना के लिए, पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको उस दौड़ के अंदर शामिल करने का मौका देंगे और उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, और एक बार फिर उन सब लोगों को जो आज इस दौड़ को रोकने की वजह से निराश होकर गए, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपनी तैयारी करें और आगे जाकर उस कंपटीशन के लिए अपने को तैयार करें और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहें। अच्छा मंत्री जी, जैसे पुलिस का कहना है कि प्रोग्राम की अनुमति नहीं थी, तो बहुत सारे प्रोग्राम पहले हो गए, क्या उनकी अनुमति थी? मैंने तो खुद कहा, मैंने SDM साहब से कहा कि आप मुझे बताइए, क्या तरौली के अंदर प्रोग्राम किया गया, क्या उसकी अनुमति ली गई? क्या सकतपुर के अंदर प्रोग्राम किया गया, उसकी अनुमति ली गई? क्या गारापुर के अंदर प्रोग्राम किया गया, उसकी अनुमति ली गई? और बहुत सारी जगह
मैं ये नहीं कहता हूँ, हमारे क्षेत्र के अंदर हजारों की तादाद में लड़के ऐसे हैं जो प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें उनको राजनीति से अलग हटकर प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जितनी भी बार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कम से कम वो खेलों को ना रोकें, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। हमें कभी कोई ऐतराज़ नहीं है। और मैं सिर्फ इतना सा अपील करना चाहता हूं कि खेल को राजनीति से ऊपर देखना चाहिए। जो खिलाड़ी होते हैं वो किसी धर्म जात बिरादरी से नहीं होते हैं, किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं। जो सेना की में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो किसी एक धर्म जाति विशेष या बिरादरी के नहीं है। वो उनको धर्म जाति बिरादरी राजनीति से नहीं बांधना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.